ज्योग्राफी लवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं मोहम्मद आसिफ आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ के जो पेपर वन है, जो सभी सभी सब्जेक्ट के लिए एक ही तरह का पेपर होता है, तो उससे रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 10 यूनिट है, उसमें से हम अभी 7 यूनिट पर काम कर रहे हैं और आगे हम और सारे यूनिट पर काम करेंगे। उससे पहले आप लोगों से अपील है, प्लीज़, जो हमारे देश में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है 21 दिनों का, यानी 14 मार्च तक का, उसे आप सभी सफल बनाएं। और आप लोगों से मेरी बहुत ही बहुत गुजारिश है कि प्लीज़ बिना ज़रूरत घर से ना निकले और इस चेन को तोड़े ताकि हम लड़ सकें, क्योंकि हमारे देश में ना चाइना की तरह टेक्नोलॉजी है, ना ही इटली की तरह हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी है। उस फिर भी हम वहाँ देखिए क्या हाल हुई, तो हमारे देश में क्या हो सकता है। हमारे देश में पॉपुलेशन इटली से बहुत ज़्यादा है, तो इस स्थिति को बद से बदतर बनने से रोकिए, देश को सुरक्षित रखने में सहयोग दे। ये एक समझिए युद्ध है। भारत में सबसे पहली ट्रेन जो 1853 में चली थी, उसके बाद से लेके आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे सेवा इतने दिनों तक बंद हुई है, या फिर किसी भी तरीके से बंद हुई है। किसी भी तरीके से पूरे भारत में कभी कोई रेल सेवा बंद नहीं की गई, जो अभी इस तरह से की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। इस गंभीरता को आप देखते हुए प्लीज़ घर से ना निकले, घर में रहें। घर में रहना ही सुरक्षित है, बाहर किसी भी तरीके से हम सुरक्षित नहीं हैं। और आसपास आपको कोई भी कोरोना का संदिग्ध दिखता है तो आप उसे क्वारंटाइन करवाइए, आप प्रशासन को बोलिए, डॉक्टरों को बोलिए, ताकि वहाँ पर उनका हेल्प, उनकी जो है उपचार हो सके। दूसरी बात ये कि हमें बचना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टरों को भी मास्क, ग्लव्स वगैरह नहीं है, बिना उसके वो लोग हम मतलब अपनी सेवा दे रहे हैं, तो हम उनकी जान को भी खतरे में ना डालें और अपनी जान को भी खतरे में नहीं डालें। प्लीज़ अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के बारे में सोचें और घर में ही रहें। देश की उन्नति में, देश की प्रगति में हमें देश को आगे ले जाने में सहायता करना है, ना कि देश को विनाश की ओर ले जाने के हम कारक बने। देश की प्रगति में अपना योगदान दें, देश की उन्नति में अपना योगदान दें, ना कि देश को नीचे ले जाने की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं हम वीडियो की ओर। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, वो जो नेट की तैयारी करते हैं। फॉर्म आप लोगों ने अगर नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, और कामना कीजिए ईश्वर से जल्द ये जो समस्या है वो ख़त्म हो, ताकि हमारा एग्ज़ाम तय समय सीमा पर हो सके। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है तो शायद ये और लेट हो सकता है, तो इसीलिए सहयोग दे, ताकि हम इसी 21 दिनों के अंदर, क्या उससे पहले ही निकल जाए। और देश में अच्छी खबर भी रही कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 40 दिन घंटों में कोई केस नहीं आया, और बिहार में भी पिछले 24 घंटों में, जो जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय के हिसाब से, एक भी केस नहीं आया। तो चेन टूटेगा तो ये बीमारी खुद झुकेगा, तो हमें नहीं झुकना है, हमें डटे रहना है, अड़े रहना है और इस बीमारी को झुकाना है। और पैनिक नहीं होना है, इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन वो ये बीमारी उन्हीं के लिए घातक है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, या फिर जिनको ये वायरस बहुत बार अटैक कर दे। तो इसीलिए हम दूसरों के और ख़ुद के या खुद के परिवार के काल नहीं बने। कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया कि एक ही परिवार के सारे लोग संक्रमित दिखे हुए, तो खुद की नहीं तो कम से कम परिवार की सोचिए। और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और क्वेश्चन को पॉज कर करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट एवं इंट्रानेट में प्रमुख भेद हैं। ऑप्शन ए स्थान यानी दायरे का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी तकनीकी यंत्रों का, ऑप्शन डी प्रयोगकर्ता का। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्थान का। इंटरनेट का मतलब आप तो समझते हैं एक तरह से जाल, और इंटरनेट का मतलब होता है एक सीमित क्षेत्र में, जैसे हम एक बिल्डिंग के अंदर में
जो नेट प्रोवाइड कराते हैं, जो कनेक्टिविटी एक एक डिवाइस को यानी एक संचार माध्यम को दूसरे संचार माध्यम से जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का यूज करते हैं वो इंटरनेट कहलाता है एक बिल्डिंग के अंदर, और जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए जिस एक हम लोग डिवाइस का यूज करते हैं वो कहलाता है, जिस नेट का यूज करते हैं जिस कनेक्टिविटी का उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल में जो यूज करते हैं वो इंटरनेट कहलाता है, लेकिन हम मान लीजिए एक एक बिल्डिंग है लेकिन और उस बिल्डिंग में एक नेट कनेक्टिविटी जो उसी बिल्डिंग में काम करेगा उस बिल्डिंग के बाहर तो वो इंटरनेट कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शैक्षणिक मूल्य तात्कालिक विवेकपूर्ण इच्छाओं के अधीन एवं सौंदर्यपूर्ण होते हैं। दूसरा है, मोक्ष को आध्यात्मिक मूल्य जबकि धर्म अर्थ और काम लौकिक मूल्य माना जाता है। तीसरा, व्यक्तिपरक वस्तुपरक और सापेक्षिक दृष्टिकोण मूल्यों की प्रकृति संबंधी प्रचलित दृष्टिकोण है। और चौथा, विश्व बंधुता की भावना सह अस्तित्व और धर्मनिरपेक्षता मूल्यपरक शिक्षा के आवश्यक तत्व हैं। उपयुक्त में से कौन सा से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल चार, ऑप्शन बी दो और चार, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सभी। यहाँ पर मूल्य शिक्षा की बात हो रही है यानी वैल्यू एजुकेशन की बात हो रही है। तो पहला कथन में ये कहा गया कि शैक्षणिक जो मूल्य है यानी शिक्षण का जो मूल्य है जो हमारा आदर्श कहें या उसका जो आधार कहें वो क्या है, वो तत्कालिक विवेकपूर्ण इच्छाओं के अधीन एवं सौंदर्यपूर्ण होते हैं। वो जो वर्तमान में हमारी शिक्षा से क्या चाह रहा है हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना है। और विवेकपूर्ण इच्छाओं यानी कि अविवेकपूर्ण नहीं हो या फिर हट धर्मी वाला नहीं, विवेकपूर्ण यानी बुद्धिमत्ता का वहाँ पर प्रयोग हुआ हो। तो दूसरा जो है मोक्ष के बारे में भारत में दार्शनिक जो है मूल्यों में पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया गया था, तो उसमें चार प्रकार का मूल्य बताया गया है, मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम। तो इसमें जो था वो एक इसे पुरुषार्थ चतुष्ट भी कहा गया है। मोक्ष को जो है आध्यात्मिक मूल्य कहा गया जबकि धर्म, काम और अर्थ को लौकिक मूल्य कहा गया। अब आध्यात्मिक मूल्य से आपको ये समझ आया कि हमें जैसे बौद्ध धर्म में कहा गया कि जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति करना है, और मोक्ष कैसे आता है अध्यात्म से। अध्यात्म का मतलब होता है सांसारिक जीवन से कट करके आत्मचिंतन कर करके मोक्ष की प्राप्ति करना यानी सांसारिक दुख सुख सबसे अलग रहना। तो ये था, ये भारतीय मूल्य का दार्शनिक की बात है। तीसरे में व्यक्तिपरक वस्तुपरक और शैक्षणिक सापेक्षिक दृष्टिकोण मूल्यों की प्रकृति संबंधी प्रचलित दृष्टिकोण है। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मूल्यों की प्रकृति की व्याख्या के समय में दार्शनिकों ने इसे तीन भागों में बांटा था। व्यक्तिपरक, उसमें कहा गया था कि व्यक्तियों की रुचि, उसकी इच्छा पसंद और वो किस चीज़ को पाने के प्रयास कर रहा है, वो किस तरह का काम करना पसंद करता है और उसकी संतुष्टि कहाँ पर है, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं समझते हैं तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिपरक दृष्टिकोण कहलाता है। अगला है वस्तुपरक। वस्तुपरक में क्या होता है, जब हम किसी वस्तु का रंग, गंध, तापक्रम, आकार, स्वरूप, इन सब चीज़ों को जब समझते हैं, इन सब चीज़ों को जानने लगते हैं तो वो क्या होता है, जब हम समझने लगते तो वो क्या होता है, वो वस्तुपरक होता है। और सापेक्षिक दृष्टिकोण होता है जब हम किसी दृष्टिकोण के अनुसार मूल्यांकन करते हैं, जो किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहा है उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध को प्रकट करते हैं और मूल्यों की भावना एवं तर्क के संबंध को स्वीकार करते हैं, वो क्या कहलाता है, सापेक्षिक दृष्टिकोण कहलाता है। अच्छा, मूल्य शिक्षा का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आपको ये समझ आता है विश्व बंधुता का भावना को जागृत करना यानी विश्व के सभी व्यक्ति को अपना भाई मानना, उसको अपने रिलेशन में रखना, एक दूसरे का मतलब सुख दुख का साथी समझना। सह अस्तित्व का मतलब होता है इस धरती पर जितना हक हमारा है उतना ही इस पर बसने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और अन्य मानव का है।
और धर्म निरपेक्षता का मतलब यानी कि सारे धर्म जो है वो एक समान है और सब धर्म में सबको अपने धर्म को पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये मूल्य शिक्षा का मेन आवश्यकता आवश्यक है, इस कारण से हमें मूल्य शिक्षा सीखनी आवश्यक लगती है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात करें जो ऊपर दिए गए शब्दों को अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। तो पहले हमको यहाँ पर ये देखना है कि हमें कौन सा शब्द दिया था। हमें दिया गया न्यूज़पेपर। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में कौन कौन सा शब्द है, एन ई एन है, ई है, डब्लू है, एस है, और उसका पी है, ए है, पी है, ई है, आर है। तो इन इन जो है 9 शब्द से कौन सा एक शब्द है जो चारों ऑप्शन में से नीचे दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होना क्यों सबसे अच्छा माना जा रहा है वर्तमान समय में, तो उसका उदाहरण है ये एक तरह से। अब इस क्वेश्चन में हमें जानना है कि किसी बच्चे को इन 9 वर्ड में से को मिला करके कोई एक वर्ड जो है वो बनाना, उसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना आता है या नहीं आता है। तो हम अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते तो हर बच्चे हर तरह का जवाब देते और हम वहाँ तत्कालीन इस बात के निष्कर्ष पर पहुँचना मुश्किल हो जाता हमारे लिए कि किस कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जब हम इसे एक ऑप्शन में बांट दिया और एक ही चीज़ को हमने सही रखा है, बाद बाकी चीज़ को गलत रखा है, तो यहाँ पर हमें छांटना आसान हो जाएगा कि कौन बच्चे जानते हैं और कौन बच्चे नहीं जानते हैं। तो ये तो था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विश्व में अभी क्यों वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है, क्यों उसकी ओर विश्वसनीयता लोगों की बढ़ती जा रही है। तो अब आते हैं प्रश्न की ओर। तो न्यूज़पेपर से कौन कौन सा, पहले हम देखते हैं ए, तो ए में है स्वीट, तो स्वीट के लिए एस है, डब्लू भी है, 2 ई भी है, लेकिन इसमें टी नहीं है। अब देखिए सावर में, तो सावर जो है तो इसमें एस है लेकिन ओ ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। रिपीट में देखिए आर है, ई है, पी है, ई है, ए है, टी है, तो ये सब नहीं है, यानी सिर्फ एक वास्प है। तो वास्प का डब्लू भी है, ए भी है, एस भी है, पी भी है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, रिपीटेशन का देख लीजिएगा, क्वेश्चन में रिपीटेशन की इजाज़त दी गई है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको स्वीट टी भी यहाँ पे रहता, स्वीट कहता, लेकिन 2 ई के जगह एक ही ई रहता, तो आप उसको नहीं मान सकते थे। मतलब नहीं समझे कि कोई एक ऐसा वर्ड दिया रहता है जिसमें एक ही बार ई आता, लेकिन बाद बाकी उसके बाद आपको स्वीट ऑप्शन में दिया रहता, तो स्वीट के सारे वर्ड मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये 4 वर्ड मिल रहे थे, लेकिन ई यहाँ पर स्वीट में 2 है और इस वर्ड में एक ही ई होता, तब क्या करते हैं हम, तब हमारा ये मानना होता कि ये वर्ड, तब हम डिपेंड करते क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में रिपीटेशन की रिपीटेशन को माना गया है या नहीं माना गया है, तो उस पर डिपेंड करता। तो खैर यहाँ पर 2 ई था फिर भी ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर टी नहीं था, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में कक्षा सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध होगी। ऑप्शन ए, यदि शिक्षक छात्रों के स्तर के अनुकूल उन्हें अधिगम अनुभव प्रदान करें। ऑप्शन बी, यदि शिक्षक शिक्षण के दौरान छात्रों को रिलैक्स रखे। ऑप्शन सी, यदि शिक्षक शिक्षण छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को तीव्र स्वर में तथा स्पष्ट ढंग से पढ़ाए। और चौथा ऑप्शन डी है, यदि शिक्षक कक्षा में कठोर अनुशासन स्थापित करे। तो यहाँ पर अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले आप कठोर अनुशासन लगा करके प्रभावी तौर पर बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि तब क्या होगा, बच्चे आपसे क्वेश्चन करने से डरेंगे, आप बच्चे को अगर किसी तरह की दुविधा है तो वो पूछने से डरेंगे कि ऐसा तो नहीं कि सर कहीं डांट दें, ठीक है, या फिर किसी तरह की भी वो हलचल कर रहे हैं, मान लीजिए किसी तरह की उनको तकलीफ भी हो रही तो वो नहीं बताएंगे और वो क्लास से बाहर रहेंगे। आप चाह करके भी उन्हें क्लास में, अब मान लीजिए किसी को प्यास लगा हुआ है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को टॉयलेट जाना है, अगर इन सब चीज़ों के लिए बोले और आप उनको अच्छा खासा लेक्चर दे दें, तुम पढ़ेगा नहीं, ये वो दिस डैट, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में बच्चे डरने लगेंगे आपके क्लास में, आपके क्लास में होकर के भी नहीं होंगे तो वो वहाँ पर प्रभावी नहीं होगा। अगला है, यदि शिक्षण छात्रों को पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु को तीव्र यानी ऊंचे आवाज़ में और स्पष्ट ढंग से पढ़ाए। जी ऐसा नहीं है,
उच्च स्वर में भी पढ़ा कर करके यानी तेज़ी से पढ़ा कर करके भी आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे में प्रभावी ढंग से, क्योंकि आप जब तेज़ी में पढ़ाइएगा तो बहुत सारी चीज़ मिसिंग हो जाएंगे, बच्चे को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और बच्चों को जो पूछना होगा कहीं पे कोई दुविधा होगी तो उनको उस सवाल का जवाब भी नहीं पूछ पाएंगे, जब तक वो उस चीज़ को समझेंगे, उनसे रिलेशन बनाएंगे तब तक वो आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, तेज़ी से पढ़ाने का एक नुकसान ये भी है कि बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार किसी चीज़ को समझेंगे और वो जब तक एक चीज़ को समझ रहे जब तक आप दूसरे चीज़ पे पहुंच चुके हैं, तो ये एक तकलीफ़ है। तो ये सी भी नहीं होगा। ए में, यदि शिक्षक छात्रों के स्तर के अनुकूल उन्हें अधिगम अनुभव प्रदान करे, जी नहीं, उनके स्तर के अनुकूल उन्हें अधिगम अनुभव प्राप्त प्रदान करना अच्छी बात है, लेकिन छात्रों के स्तर को आप नहीं ठीक कर सकते हैं। हर किसी के एक क्लास में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। यदि आप शिक्षक जो है शिक्षण के दौरान छात्रों को रिलैक्स रखें, यानी हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखें और उन्हें भयभीत न होने दें, उन्हें परेशान न होने दें और क्लास में उन्हें उपस्थित रखें। अगला प्रश्न है, बालकों में सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे, सकारात्मक यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। ऑप्शन ए, प्रतिपादन स्तरीय शिक्षण देंगे। ऑप्शन बी, केवल अनुबंधन देंगे यानी कंडीशनिंग शिक्षण। ऑप्शन सी, केवल अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन वाला। या डी, केवल प्रशिक्षण देंगे यानी मैंने जो बच्चे नए हैं उन्हें तो पता नहीं होगा, मैंने एक लेक्चर लिया था उस वो अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन और प्रतिपादन, इन तीनों पर, ये तीनों स्टेज का मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे कैसे क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल प्रशिक्षण। जब हमें किसी को सकारात्मक एटीट्यूड में लाना हो तो उन्हें प्रशिक्षण देंगे, यानी उनका स्टाइल कैसा हो, उनके काम करने का तरीका कैसा हो, उनके बोलने का तरीका हो, तो ये प्रशिक्षण, ये ट्रेनिंग यानी बार बार करा करके ही हो सकता है। एक शिक्षक जो है एक नए शिक्षक के मुकाबले एक पुराना शिक्षक क्यों ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव होता है और अच्छा पढ़ा पाता है, वो इसलिए कि वो बार बार पढ़ा करके यानी उसमें ट्रेंड हो चुके हैं, वो प्रशिक्षित हो चुके हैं इसीलिए। अगला प्रश्न है, अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता में गुण होना अनिवार्य है, क्या क्या गुण होना अनिवार्य है पहले देखते हैं। तो पहला है कौशलात्मक दक्षताएँ, दूसरा वैज्ञानिक अभिवृत्ति, तीसरा धैर्यपूर्ण मानसिक संतुलन। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में दो और तीन, ऑप्शन डी में सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सभी। उसमें कौशल भी जो है वो स्किलफुल होना चाहिए, उसका स्किल भी जो है हाई लेवल का होना चाहिए। उसमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति, क्योंकि आपको पता है कि अनुसंधान क्या है, वो एक वैज्ञानिक तौर वैज्ञानिक पद्धति पर होता है। और धैर्यपूर्ण मानसिक, अगर आप धैर्यपूर्ण नहीं हैं तो आप क्या होगा, आप जल्दी जल्दी में, मान लीजिए आपने एक सर्वे कर रहे हैं, आप सर्वे करने गांव में गए लेकिन क्या हुआ, आपने आधे गांव का ही सर्वे किया और आप बेचैन हो गए, आपका मानसिक संतुलन मतलब अस्थिर नहीं रहता है, तो आप क्या करिएगा, वो आप आधे गांव का सर्वे कर बगैर वहाँ पर अपने मन से डाटा भरने लगिएगा, उसके बाद क्या होगा कि वो डाटा क्या है, वो आपके व्यक्तित्व पर ज़्यादा निर्भर करने लगेगा। तो इसीलिए मानसिक संतुलन का होना आवश्यक है, यानी किसी तरह की दुविधा आए तो आपको घबराना नहीं है, उस समय में पैनिक नहीं होना है, या फिर किसी तरह से ऐसा नहीं कि काम चलाओ काम करके निकल जाना है। जैसे अभी है, अभी बहुत सारे लोगों को पता चला कि 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, तो बहुत सारे लोग क्या करके पैनिक कर गए, तो पैनिक नहीं होना है, आपका मानसिक संतुलन होना आवश्यक है। जैसे कि हमारे देश में UPSC के एग्ज़ाम जो ली जाती है तो उसमें इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू में ये नहीं देखा जाता कि आप कितने पढ़ करके आए, क्योंकि उनको पता है कि बंदा यहाँ तक आया तो वो बहुत पढ़ करके आया, वो ये देखना चाहता है मेनली कि आपका मानसिक संतुलन कैसा है, आप पर किसी परेशानी की जैसे आएगी तो आपके उस समय किस चीज़ का कैसे हल कीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षक अपने विचार को भली भांति ढंग से छात्रों तक पहुंचाने में असमर्थ रहता है तो इसका परिणाम होगा, पहला कक्षा में अनुशासन का समापन, दूसरा शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले टॉपिक में छात्रों की अभिरुचि का समापन, तीसरा कक्षा में छात्रों की अधिकाधिक अनुपस्थिति। उपयुक्त में से कौन सा कथन कौन सा से सत्य है, ऑप्शन ए में है दो और तीन, ऑप्शन बी में है एक और दो, ऑप्शन सी में है एक दो और तीन, ऑप्शन डी में कोई नहीं। और इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी 1, 2, 3 जब क्लास की में मतलब जो है छात्रों में आपका जो विचार है वो भली भांति ढंग से नहीं पहुंच पाता है, बच्चे आपके पढ़ाई पढ़ाने के तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं, आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले तत्वों को नहीं समझ पा रहे हैं, कंटेंट को नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आप अब आपके क्लास में कुछ दिनों के बाद अनुशासन का ख़त्म हो जाएगा, बच्चे आपको मतलब हीन दृष्टि से देखने लगेंगे, आपके बारे में उनको गलत गलत मैसेज जाएंगे कि सर को कुछ आता नहीं है, सर बहुत मतलब बहुत सारी बातें होने लगेंगी। उसके बाद आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले टॉपिक में भी बच्चों को रुचि नहीं होगा, क्योंकि उनको लग जाएगा कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, या फिर आप एक उदंड टाइप के हैं, या फिर आप क्या है आप गुस्सैल हैं, तो इस तरह से उनको क्या होगा वो आपका अक्सर आप भी देखते हुए कि आपके लाइफ में पीछे जाइए तो कुछ कुछ टीचर्स के क्लास के बारे में आप बहुत बोर हो जाते हैं, और कुछ कुछ टीचर के क्लास को लेकर के आप बहुत एक्साइटेड हो जाते थे कि उन सर का क्लास आ रहा है, उसमें बहुत मज़ा आएगा। तो ये है। और दूसरी बात है कि जब आपका ये सब चीज़ आप तक आपकी उन तक नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, आपकी छवि थोड़ी सी ख़राब होगी और आपके बच्चे में आपके क्लास में बच्चे उपस्थित भी नहीं होंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो वृहद संस्थानों या प्रतिष्ठानों के द्वारा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा वैश्विक सूचनाओं के संप्रेषण में वैन मदद करता है। दूसरा, कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मेगाबाइट एवं गीगाबाइट में मापी जाती है। तीसरा, 1 byte 8 bits के बराबर होता है। और चौथा, विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम इनैक है। उपयुक्त में से कौन सा से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 3 और 4। यहाँ पर गीगा हर्ज होगा और मेगा हर्ज होगा, गीगाबाइट और मेगाबाइट में कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड घड़ी की स्पीड को नहीं नापा जाता है। 1 byte 8 bits के बराबर होता है। हम जो है कंप्यूटर जो है किसी भी चीज़ की गणना बाइनरी यूनिट्स में करता है, बाइनरी यूनिट्स में 0 और 1 का लिया जाता है, और तो वो 0 और 1 पर जो लेता है तो वो बिट्स कहलाते हैं, और 8 bits बराबर 1 byte होता है, और 1024 byte बराबर 1 kilobyte होता है, 1024 kilobyte बराबर 1 megabyte होता है, और 1024 megabyte बराबर 1 gigabyte होता है, 1024 gigabyte बराबर 1 terabyte होता है। आपको एग्ज़ाम में ये क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए भी मिलता है। विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम इनैक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आते हैं पहले कथन पे। तो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन लैन मैन ये आपको पढ़ना है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जब किसी एक बिल्डिंग या एक कैंपस को इंटरनेट मुहैया कराया जाता है तो वो लैन कहलाता है। मैन में होता है मैन एक अर्बन एग्लो एरिया को या एक छोटे से नगर को जब कोई इंटरनेट मुहैया कराता है तो उसे मैन कहते हैं। अब वैन का मतलब होता है जब एक कोई बड़े लेवल पर, जैसे मान लीजिए SBI है, SBI का एक अपना नेटवर्क होता है, इंटरनेट के अलावा उनका नेटवर्क होता है जिनसे वो काम करते हैं, तो SBI के वो पूरे भारत में SBI का जहाँ जहाँ ब्रांच है वहाँ वहाँ क्या है SBI का अपना नेटवर्क है, तो वो क्या वो किससे कंट्रोल होता है, तो वो वैन से कंट्रोल होता है, वाइड एरिया नेटवर्क से। अगला प्रश्न है, सिनॉप्सिस से लाभ है। तो पहला कथन है, पहला है यह अनुसंधान के प्रत्येक पद को सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित करता है। दूसरा, यह अनुसंधान के विभिन्न पदों में संभावित कठिनाइयों का साक्षात्कार कराती है। तीसरा, यह अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करती है। उपयुक्त में से कौन सा से सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? सिनॉप्सिस का मतलब होता है सार, यानी समरी भी एक तरह से आप ले सकते हैं। तो जब यह विभिन्न अनुसंधान के प्रत्येक पद को सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित करता है, यानी हम जो सिनॉप्सिस देते हैं किसी को, मतलब कि हमने अपना जो रिसर्च किया है उसका एक सिनॉप्सिस बना करके हम अपने जो सुपरवाइजर होते हैं या हमारे इन्विगलीजर होते हैं उनको देते हैं कि सर देखिए ये है।
उसी अनुसंधान के विभिन्न पदों में जब संभावित कठिनाइयाँ आती है तो उसको लेकर के जो इंटरव्यू होता है वो कहाँ से होता है, हमारा जो रिसर्च देने के समय में हमारा इंटरव्यू होता है वो क्या होता है, वो हमारे सिनॉप्सिस से ही होता है, क्योंकि वो सिनॉप्सिस में जो उन्हें कठिनाइयाँ दिखती है उसको लेकर के वो हमसे सवाल पूछते हैं कि हमने इस कठिनाइयों को कैसे हल किया है। और यह सिनॉप्सिस जो है वो क्या है, अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी हमें कैसे अनुसंधान करना है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संकेत अधिगम का संबंध है अनुबंधन से, जबकि बहुविभेदीय संपत्तियों के अधिगम का संबंध अनुदेशन से है। दूसरा, शाब्दिक एवं अशाब्दिक अधिगम श्रृंखला अधिगम के बराबर है। तीसरा, अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है, तीसरा कथन है अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है जिस कारण छात्र को परतंत्र चर कहा जाता है। चौथा, बालक की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य है। उपयुक्त में से कौन सा से सत्य है, ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो संकेत अधिगम में का जो है वो अनुबंधन से यानी कंडीशन से यानी पहले स्टेज से होता है, जैसे हम बच्चों को खाना मतलब कैसे खाया जाता है, कैसे किसी चीज़ को, और चाहे पढ़ाना ही जो होता है तो हम उन्हें लिख लिख के समझाते हैं कि देखो ऐसे ए होता है, ऐसे बी होता है, वो संकेत से हम समझाते हैं, तो ये संकेत अधिगम होता है। जबकि बहुविभेद यानी दो चीज़ों में विभेद जो हम वो करते हैं क्लियर, दो दो वस्तुओं में किसी को विभेद जो हम पता लगाने के लिए कहते हैं वो कब कहते हैं, वो हम लोग अनुदेशन के समय में, जब बच्चे स्मृति स्तर से निकल कर करके जो है स्मरण स्तर पर आ जाते हैं, है ना, चीज़ों को समझने लगते हैं, कोरिलेट करने लगते हैं, जैसे कि 7वें 8वें के बच्चे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं कि उन्हें हम लोग बताने लगते हैं कि देखो कैसे दो तत्वों के बीच में हम विभेद उत्पन्न कर सकते हैं, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, अच्छा मतलब कुत्ता क्या है, बिल्ली क्या है ना, और चिड़ियों में मैमल्स क्या है, कौन चिड़िया उड़ सकती है, कौन चिड़िया नहीं उड़ सकती है, शाकाहारी मांसाहारी, इन सब चीज़ों का विभेद उत्पन्न कराने लगते हैं हम बच्चों को। तो वो कब कराने लगते हैं, अनुदेशन में, जब वो समझने लगते हैं किस चीज़ को, जब वो अवबोध स्तर पर किसी चीज़ को यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुंच जाते हैं, किसी चीज़ को समझने लगते हैं तब। तीसरा, अध्यापक छात्र जो होता है वो वही पढ़ता है जो उसे शिक्षक पढ़ाता है, इसीलिए शिक्षक को स्वतंत्र चर कहा जाता है और छात्र को परतंत्र चर कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से हम बात करें तब तो शिक्षक जब चाहे अपने मन मर्जी पढ़ा लेगा और छात्र को उस पर डिपेंडेंट पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में जो है एक बैलेंस हो, एक जो है चेक एंड बैलेंस की नीति हो, मतलब काम हो, उसके लिए आता है सिलेबस, पाठ्यक्रम। वो क्या करता है, वो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाता है और टीचर को अपने मन मर्जी पढ़ाने से रोकता है और छात्र को जो है टीचर के दबाव में रहने से भी मुक्त करता है, या फिर टीचर पर दबाव देने पर से भी मुक्त करता है, और टीचर वही पढ़ाते हैं जो उसके सिलेबस में होता है। और आखिरी है, हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ाने जाते हैं क्लास में तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना होता है कि बच्चे क्या उस टॉपिक से रिलेटेड पिछली क्लासों में जो चीज़ उन्हें पढ़ना था वो ये चीज़ जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो अगर उस चीज़ का जब हम अध्ययन करते हैं बच्चों पे कि वो जानते हैं या नहीं, तो ये निदानात्मक कहलाता है कि अगर बच्चे नहीं जानते हो तो उन्हें उस चीज़ को बताना, अगर जानते हो तो हमें फिर अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना, ये निदानात्मक कहलाता है। ये था आज का लेक्चर, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमसे जुड़े, हम पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, और ज्योग्राफी पेपर जिन बच्चों का है वो भी हमसे जुड़िए, हम ज्योग्राफी के भी अल्टरनेट वीडियो पेपर 1 और ज्योग्राफी के लाते हैं, और ज्योग्राफी में हम बहुत हद तक बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, ज्योग्राफी के वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, हाथ बार बार धोएं, अच्छे से धोएं, साबुन से ही धोएं, सैनिटाइज़र और हैंड वॉश नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छे साबुन से धोएं,
डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखे, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने ना जाएं, गप्पे ना मारे या फिर गली चौराहे चौक पर ना घूमें। हमारे पुलिस कर्मियों का काम को आप जटिल नहीं बनाएं, उनकी भी मदद करें। हमारे डॉक्टरों का ख्याल करते हुए आप बाहर ना जाएं, डॉक्टरों को जहमत ना दें, अपने परिवार को जहमत समस्या ना दें, हमारे देश को समस्या में नहीं डालें। आप लोग प्लीज़ घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। कभी कभी ऐसा मौका आता है, आज हम लोग एक इतिहास लिख रहे हैं कि हमने देश को बचाने के लिए खुद को घर में रखा, खुद को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। और अगर इससे भी आपको नहीं हो तो एक चीज़ आप सोच सकते हैं कि हम बिग बॉस के घर में हैं और बिग बॉस के घर में हमें 4 महीना कैसे रहना है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सोच के भी आप ये किस दिन निकाल दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ बिना ज़रूरत घर से बाहर ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।